नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में कब्रिस्तान को लेकर काफ़ी चर्चा रहती है, मगर ये चर्चा आज मुंब्रा में फसाद की जड़ बन गया था। दरअसल मुंब्रा के ही कुछ लोग एक लावारिस लाश को कब्रिस्तान में दफन करने के लिए गए थे। हम उस कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं जो अभी तक मिला ही नहीं है। ये कब्रिस्तान सर्वे नंबर 107 जो कि CRZ जोन में आता है, अभी इस कब्रिस्तान का काम भी पूरा नहीं हुआ है। और मुंब्रा के ही कुछ लोग इस सर्वे नंबर 107 पर एक लावारिस लाश को दफन करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ तक कि इस दलदल युक्त कब्रिस्तान में मैयत दफन करने के लिए कब्र भी खोद ली गई थी। दरअसल इस मैयत को दफन करने के पीछे एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। एक साजिश के तहत इस कब्रिस्तान में लाश को दफन किया जा रहा था, मगर जैसे ही इस मैयत के दफन होने की बात सामने आई, पूरे शहर में कोहराम मच गया। लोगों ने वहां मैयत दफन करने से रोक लिया। अगर इस मैयत को दफन कर दिया गया होता तो आज शहर का माहौल बिगड़ सकता। 107 पे लगे गए मेरे को, जिससे कोई मतलब नहीं, कोई नेता से मेरे को लेना देना नहीं है। मेरे को इंसान से मतलब हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, ये मेरे को नहीं, मेरे पूरे कौम को करना मांगता है ये काम। मेरे पूरे कौम को करना मांगता है ये काम, मेरे को ना बढ़िया लॉ लेने का मतलब, कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है मेरे को। और मेरे को ना आतंक से मतलब है, ना पतंग से मतलब है। मेरे को इंसान से मतलब हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, मेरे को मेरा बात चलो, मैं मेरे घर के नीचे दफना दूँ। म्यूनसिपालिटी करा के दे दे, वे ये राजनीति छोड़े सब, ये जितने भी राजनीति है सब जितने भी जावे गधे में, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, समझे ना। हमको कब्रिस्तान का मरना ही है लास्ट में, ये ही सच है। बाकी सब दिखा हुआ, ये देख लो, ये ही सच है। दफना नहीं है, दफनाने के लिए आज हम लोगों ने जो किया वो हमारी पहली कोशिश थी। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, जरूर बजरूर कामयाब होंगे। आपको बता दें, ये कब्रिस्तान CRZ में है। हालांकि यहाँ के आमदार ने इस कब्रिस्तान को 8 दिन में देने की बात की थी, मगर इसके पहले ही इस कब्रिस्तान में लाश दफन करना एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है, जिसकी वजह से शहर का माहौल भी बिगड़ सकता था। अगर आने वाले दिनों में किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दोबारा ऐसी कोशिश की गई तो शहर का माहौल बिगड़ सकता है। शासन प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले, इसकी जांच करे किसके इशारे पर यह काम किया जा रहा था। हालांकि उस लावारिस शव को अमृत नगर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।